यहाँ ऊपर की तरफ आपको एक लॉक देखने को मिलता है, जिसको आप यहाँ लूप के नीचे वाले हिस्से में कुछ इस तरीके से लॉक कर देंगे, तो ये आपको जब भी हवाएं वगैरह चल रही होंगी उस कंडीशन में ये आपको एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन देता है, जिससे कि अपने आप नहीं निकलेगा। राधे राधे एवरीवन, अनबॉक्सिंग बाइट के इस वीडियो में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। सो आज के इस वीडियो में हम रिव्यू करने वाले हैं स्काई बैग के एक और बैकपैक का। तो चलिए देखेंगे इसकी सारी डिटेल्स, जानेंगे इसके प्रोज एंड कॉन्स के बारे में, बट मिलते हैं छोटे से इंट्रो के बाद। तो चलिए अब बात करते हैं इस बैग के प्राइस, साइज और मटेरियल क्वालिटी के बारे में। बट उससे पहले मैं आपको इसका फ्रंट लुक दिखाना चाहूँगा। कुछ इस तरीके से आपको इसका फ्रंट लुक देखने को मिल जाता है। काफ़ी अच्छे कलर्स देखने को मिलते हैं रेड, येलो एंड ब्लैक के कॉम्बिनेशन में, जो कि देखने में आपको शुरू में आई कैची नज़र आ रहे होंगे। जरूर से लोगों का ध्यान इसकी ओर जाने वाला है। तो कुछ इस तरीके से इसका फ्रंट लुक आपको देखने को मिलता है। यहाँ पे आप देख सकते हो स्काई बैग का एक लोगो बोल सकते हो या ब्रांडिंग बोलो एक यूनिक वे में, तो काफ़ी कूल लगेगा ये बैग आप देख सकते हो फ्रंट की तरफ से। अगर आप थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान देंगे तो मैं एक चीज़ और नोटिस करवा दूँ आपको। यहाँ पे जब आप देखोगे कुछ इस तरीके से, तो जब मैंने ये बैग मंगाया तो ये हल्का सा फेडेड है, आप देख सकते हो ये यहाँ पे निकल चुका है। तो ये आप श्योर रहिएगा कि ये जो प्रिंट है ये एक समय के बाद बिल्कुल से निकल जाने वाला है, और लास्ट में आपको कुछ इस तरीके से ये देखने को मिलेगा। जैसा कि मैं आपको दिखा देता हूँ, वेट अ मिनट, देखिए ये ठीक है। तो ये जो प्रिंट है ये हमेशा नहीं रहने वाला है, इस चीज़ को आप ध्यान में रखिएगा। तो बात करते हैं इसके प्राइस, साइज़ और मटेरियल क्वालिटी की। तो प्राइस है इसके 1368 यानी कि 1368 रुपये में मुझे ये बैग मिला है। साइज़ की बात करूँ तो 32 लीटर का ये बैकपैक है, और मटेरियल क्वालिटी की बात करें तो मटेरियल क्वालिटी है पॉलिस्टर की। तो और साथ में यहाँ पर एक चीज़ और मेंशन कर दूँ कि यहाँ पर आपको रेन कवर मिलता है, यानी कि ये बैग वाटरप्रूफ नहीं है। तो मैं इसका वाटरप्रूफ टेस्ट बिल्कुल भी नहीं करने वाला हूँ, क्योंकि रेन कवर इसमें आपको अलग से अटैच करना ही पड़ेगा। तो बात करते हैं इस बैग के चैन के क्वालिटी और चैन के रनर की। तो यहाँ सामने इजी एक्सेस पॉकेट के पास आप इसका रनर देख सकते हो, जिसमें कपड़े का इन्होंने यूज़ किया हुआ है, और यहाँ सामने में आपको एक किचन फुटबॉल के देखने को मिल जाती है। बाकी के अगर आप सेक्शंस की बात करें तो यहाँ पर आपको दो रनर देखने को मिल जाएंगे दोनों ही साइड, जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हो। तो चलिए अब देखते हैं कि स्मूथली ओपन हो पाता है या नहीं। सो आपने देखा चेन काफ़ी स्मूथली ओपन हो जाता है, और चेन की क्वालिटी मुझे काफ़ी पसंद आई है। सो बात करते हैं इस बैग में कितने सेक्शन हैं। तो यहाँ आपको तीन मेन सेक्शन और एक इजी एक्सेस पॉकेट सामने की तरफ देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ ये है इसका पहला इजी एक्सेस पॉकेट, जो कि सामने की तरफ है, और इसकी डेप्थ की बात करें तो बिल्कुल नीचे बॉटम तक ये आपको देखने को मिल जाएगा। बात करें इसके फर्स्ट मेन सेक्शन की, तो कुछ इस तरीके से ये दिखाई देता है। चीज़ों को अच्छी तरीके से आप अरेंज कर पाएँ इसके लिए बहुत छोटे छोटे पाउच आपको यहाँ सामने में देखने को मिल जाते हैं, और जिससे कि आप चीज़ें काफ़ी अच्छे से मैनेज कर पाओगे। यहाँ ऊपर की तरफ आपको एक की चैन टांगने के लिए एक हुक देखने को मिल जाता है, जिसमें आप इसे लॉक करके कुछ इस तरीके से लॉक कर पाओगे। बात करते हैं इसके सेकेंड सेक्शन की, तो ये है इसका मेन सेकेंड सेक्शन। यहाँ पर कुछ चीज़ें आपको मेंशन की हुई है जो आप देख सकते हो, और नीचे अगर बॉटम की बात करूँ तो यहाँ पे रेन कवर के कारण ही आपको थोड़ा मोटा लगेगा, अदरवाइज़ यहाँ पे फोम आपको देखने को नहीं मिलता है, ठीक है। तो इस बात का आप ज़रूर से ध्यान रखिएगा। और ये है इसका फाइनल और मेन सेक्शन, और यहाँ पे आप देख सकते हो जो कंपार्टमेंट यहाँ पे जो सेक्शन डिवाइड किया हुआ है उसमें फोम का यूज़ नहीं हुआ है, साथ ही इनर साइड में आपको फोम देखने को नहीं मिलेगा। इस बात को आप ज़रूर से ध्यान रखिएगा। अगर ये बैग ऑथेंटिक है या ओरिजिनल है या नहीं, यहाँ पे आप QR कोड स्कैन करके भी आप इसके ऑथेंटिसिटी का पता लगा सकते हैं। तो कुछ इस तरीके से आपको इस बैग में टोटल चार सेक्शन देखने को मिलते हैं। बात करते हैं इस बैग के पिछले हिस्से की, यानी कि बैग की
तो यहाँ पे आप देख सकते हो आपको येलो और ब्लैक कलर का कॉम्बिनेशन देखने को मिलता है जो कि बैग को काफ़ी प्रीमियम लुक देता है। यहाँ नीचे की तरफ आपको स्काई बैग की ब्रांडिंग देखने को मिल जाती है। फ़ोन की क्वालिटी की बात करें तो ये काफ़ी अच्छी लगी मुझे। इसमें आपको छोटे छोटे ब्लॉक्स देखने को मिलते हैं जिससे एयर काफ़ी ईजिली पास होगा और ये बारिश के दिनों में काफ़ी जल्दी सूख जाएंगे, तो ये एक प्लस पॉइंट है। साथ ही इसकी क्वालिटी भी मुझे काफ़ी पसंद आई। अब चलते हैं, अगर इसके ऊपर की तरफ आप जाओगे तो यहाँ पे अगर आप लूप की बात करोगे तो लूप में आपको क्वालिटी डिसेंट मिलेगी। बहुत ही ज़्यादा अच्छे भी नहीं है और बहुत ख़राब भी नहीं है। साइड्स में आपको दोनों ही तरफ वाटर बॉटल होल्डर देखने को मिल जाएंगे, तो आप इसमें दो बॉटल कैरी आराम से कर पाओगे। नीचे की तरफ बॉटम आपको प्लेन देखने को मिलता है, साथ ही आपको एक रेन कवर देखने को मिल जाएगा यहाँ पे, जो कि मैं आपको आगे वीडियो में रिव्यू करके दिखाऊंगा कि रेन कवर किस तरीके से बैग में लगेगा और कितना स्पेस कवर करेगा। इस बैग की स्टिचिंग यानी सिलाई की क्वालिटी कैसी है, यहाँ सामने इजी एक्सेस पॉकेट की तरफ आप देख सकते हैं कि सिलाई की फिनिशिंग आपको किस तरीके से देखने को मिलती है। ऊपर की तरफ जाने पे यहाँ पे आप चैन के पास देख सकते हो और यहाँ आगे आपको एक छोटा सा थ्रेड नज़र आएगा जो कि कॉमनली बैग के इनर और आउटर साइड में देखने को मिलता है, तो इसे आप नॉर्मली कैची से काट के यूज़ कर लीजिएगा, इसमें कोई बहुत बड़ा इशू नहीं होता है। इसके अलावा आपको चैन के साइड्स में भी सिलाई काफ़ी प्रॉपर देखने को मिल जाती है और इसकी फिनिशिंग में भी आपको काफ़ी क्लैरिटी देखने को मिलेगी। नीचे की तरफ अगर आप बात करें इसके हैंडल्स की तो यहाँ पे आप देख सकते हो खींचने के बाद कुछ इस तरीके से आपको देखने को मिल जाएंगी इसकी सिलाई की क्वालिटी। और नीचे की तरफ भी मुझे इसकी सिलाई की क्वालिटी काफ़ी सॉलिड लगी। सो यहाँ पे मैंने बैग को पलट लिया है और अब हम देखेंगे इसके अंदर की स्टिचिंग की क्वालिटी कैसे देखने को मिल जाती है। तो सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूँ इसके ऊपर लूप की तरफ, जहाँ से आप बैग को जनरली होल्ड करते हैं, वहाँ पे सिलाई की क्वालिटी कैसी है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो दोनों ही साइड काफ़ी अच्छे फिनिशिंग आपको देखने को मिल जाती है। कहीं पर भी आपको ऐसा देखने को नहीं मिलेगा कि सिलाई कहीं पर छूट गई हो। अब बात करते हैं इसके नीचे की तरफ, तो यहाँ पर आप देख सकते हो साइड्स में अंदर की तरफ किस तरीके से स्टिचिंग की क्वालिटी देखने को मिलती है। छोटे छोटे थ्रेड्स हैं जिन्हें आप काट के यूज़ कर सकते हो, तो उसमें कोई भी इश्यूज़ देखने को नहीं मिलेंगे। साइड्स की अगर बात करें तो काफ़ी अच्छे फिनिशिंग आपको देखने को मिल जाती है। ओवरऑल मैंने इस बैग के अंदर चारों तरफ देखा तो कहीं पर भी मुझे कोई शिकायत देखने को नहीं मिली, तो डेफिनेटली आप स्टिचिंग क्वालिटी के मामले में ये बैग प्रेफर कर सकते हैं। अब इस बैग में कुछ बुक्स और कॉपीज़ रख के देखते हैं कि इसमें आपको कितना स्टोरेज देखने को मिल जाता है। यहाँ पे मैं इस बैग में 3 बुक्स रखने वाला हूँ और इसके साथ यहाँ पे मैं ये 4 कॉपीज़ इसमें रखने वाला हूँ, तो आप देख सकते हो। और इसके साथ ही मैं यहाँ पे 15.6 इंच का अपना ये लैपटॉप इसमें रख के दिखाऊँगा कि इसके बाद इसमें कितना स्टोरेज बच जाता है, तो जिससे आपको एक आइडिया हो जाए कि आप इसमें कितना बुक्स और कॉपीज़ या बाकी चीज़ें रख पाओगे। सो यहाँ पे मैंने बैग में बुक्स और लैपटॉप को अरेंज कर लिया और चलिए अब देखते हैं इसमें स्पेस आपको कितना देखने को मिलता है। ये फाइनल सेक्शन में मैंने लैपटॉप रखा है और 4 कॉपीज़ यहाँ पे रखी है। मिड वाले सेक्शन में मैंने 2 बुक्स रखी है और सामने वाले सेक्शन में मैंने 1 बुक रखी है और यहाँ पे एक की को भी हैंग किया हुआ है। तो कुछ इस तरीके से आप देख सकते हो इसमें आपको स्पेस देखने को मिल जाता है। अभी भी इसमें काफ़ी ज़्यादा स्पेस आप देख सकते हो, काफ़ी चीज़ों को आप इसमें बड़े ही आराम से, काफ़ी बुक्स को बड़े ही आराम से कैरी कर पाओगे। तो ये एक छोटा सा डेमो मैं आपको रख के दिखा रहा हूँ। यहाँ पे मैं इसे फटाफट से पूरी तरीके से बंद कर लेता हूँ और बाहर से आपको दिखाता हूँ कि इसमें कितना स्पेस है। तो यहाँ पे देख सकते हो आपको काफ़ी ज़्यादा स्पेस देखने को मिलता है। इजी एक्सेस पॉकेट में मैंने यहाँ कुछ भी नहीं रखा है, इसका ध्यान रखिएगा। ओवरऑल ये स्टोरेज के हिसाब से काफ़ी अच्छा बैकपैक है। तो यहाँ पे मैंने बुक्स वगैरह रख लिए और यहाँ नीचे आपको रेन कवर देखने को मिल जाता है, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था। तो चलिए उसको लगा के देखते हैं कि वो कितना एरिया कवर करता है, पूरी तरीके से ये बैग को प्रोटेक्ट करेगा या नहीं बारिश में। तो चलिए मैं आपको फटाफट से रेन कवर लगा के दिखा देता हूँ। यहाँ पे मैंने रेन कवर बैग में लगा दिया है और चलिए अब बैग को स्टैंड करते हैं और देखते हैं कि रेन कवर कितना एरिया कवर करते हैं। तो साइड्स यहाँ पे काफ़ी अच्छे से इसने कवर किया हुआ है। पीछे की तरफ आप देख सकते हो, यहाँ ऊपर की तरफ आपको एक लॉक देखने को मिलता है जिसको आप यहाँ लूप के नीचे वाले हिस्से में कुछ इस तरीके से लॉक कर देंगे तो
तो ये आपको जब भी हवाएं वगैरह चल रही होंगी उस कंडीशन में ये आपको एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन देता है, जिससे कि ये अपने आप नहीं निकलेगा। उसके अलावा ऊपर से लेकर नीचे तक इसने काफ़ी अच्छे से बैग को कवर किया हुआ है। तो इस मानसून या यूँ कहें कि हर मानसून में ये आपकी चीज़ों को काफ़ी अच्छे से प्रोटेक्ट करेगा, तो ये मुझे काफ़ी पसंद आया। तो चलिए अब बात करते हैं इस बैग के फाइनल रिव्यू की कि 1368 रुपये में ये बैग आपको ख़रीदना चाहिए या नहीं। तो अगर आप एक स्टूडेंट हैं और स्कूल बैग के लिए अगर आप ये बैग देख रहे हैं, तो आपको इसमें 1368 रुपये में 4 कंपार्टमेंट देखने को मिलेंगे, जो कि आपको काफ़ी ज़्यादा स्पेस प्रोवाइड कराते हैं। इसके अलावा आपको 2 वाटर बॉटल होल्डर देखने को मिल जाते हैं, नीचे की तरफ रेन कवर देखने को मिलता है और सामने की तरफ एक फंकी और आई कैचिंग लुक देखने को मिलता है। पर इसमें मुझे जो प्रॉब्लमेटिक चीज़ लगी वो ये कि जो आप इसके आगे का जिसकी मैंने बात करी थी फंकी लुक की, तो यहाँ पे आप देख सकते हो चीज़ मैंने बैग मंगाई है और अभी यूज़ करना शुरू भी नहीं किया और ये निकल रही है। आप देख सकते हो यहाँ पे, जैसा कि मैंने आपको शुरू में भी दिखाया था, यहाँ नीचे में आप देख सकते हो। इसके अलावा थोड़ा सा ऊपर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे आप देखेंगे कि ये चीज़ें फेड हो रही है। तो अगर ये विद इन 1 ईयर अगर ये पूरी तरीके से फेड हो जाती है तो कहीं ना कहीं बिल्कुल भी वर्थ इट नहीं होगा। तो अगर आपके लिए चीज़ें मैटर नहीं करती तो डेफिनेटली ये बैग बहुत ही अच्छा है। पीछे आपको एक अच्छा फोम देखने को मिल जाता है और ओवरऑल गुड क्वालिटी प्रोडक्ट आप इसे बोल सकते हैं। और अगर ये बैग मुझसे अगर आप पूछे तो अगर ये 2 साल काफ़ी अच्छे से चल जाए बिना निकले, अगर सामने की तरफ जो मैंने बात करी थी, तो ये काफ़ी वैल्यू फॉर मनी प्रोडक्ट होने वाला है। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो ज़रूर से इसे लाइक करिएगा और लोगों तक पहुंचाइएगा, जिनसे लोगों की हेल्प हो सके और वो एक अच्छा बैग बाय कर सकें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। राधे राधे।